डोसा? क्या हुआ बेटा? पता नहीं अम्मी, चक्कर आ रहे हैं, शायद गर्मी से चक्कर आ रहे हैं। हराम करो, किसने कहा है तुम्हें इतना काम करो किचन में? चलो, किसने कहा था इतना काम करो तुम? हाँ, मैंने खुद देखा है, तुम उसके गले लगे हुए थे राहिल। कमीनी, क्या वाकई वो ख्वाब था? मगर उस थप्पड़ की तकलीफ मुझे हकीकत में क्यों महसूस हो रही है? क्या वाकई मैं इतनी ख्वाबज़दा हो गई हूँ बबली से कि वो ख्वाब में भी आके मुझे डराने लगी है? नहीं, मैं अभी वापस जाकर उसे फारिग करती हूँ। अब मजीद उसे घर में मैं अपने बर्दाश्त नहीं करूंगी। नहीं, बीनी आ जाए मॉम। गुड मॉर्निंग, कैसी हो? रात अच्छी गुजरी? अच्छी तरह से सोई? कोई परेशानी तो नहीं है? परेशानी को तो दूर कर दिया ना मैंने। हाँ बीनी, I can't believe it। यकीन नहीं आ रहा कि तुमने अरुषा का इस तरह से पत्ता साफ किया जैसे वो यहाँ थी ही नहीं। इनक्रेडिबल। बस कभी कभार अचानक से ही कुछ ऐसी ख्वाहिशें भी पूरी हो जाती हैं जिसकी आपने तवक्को भी नहीं की। अब आप यकीन कर लो। तुम्हें पता है, तुम्हारे जाने के बाद मैंने अरुषा से समझौता भी कर लिया था कि जैसी भी है वलीद का ख्याल रख रही है, संभाल रही है। अब वो मजनू बन के पागलपन करेंगे तो क्या करेंगे? किसी की तो फिक्र और परेशानी है बीनी। मैं चाह रही थी तुम कुछ दिन यहीं पे रह लो ना। आई नीड यू। नहीं मॉम, मैं और नहीं रुक सकती। राहिल मना करेगा? नहीं नहीं, राहिल तो कभी मुझे यहाँ आने से नहीं रोकता, रुकने से नहीं रोकता, लेकिन बस मैं और उसे अकेला नहीं छोड़ सकती। हाँ बिल्कुल ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। बेटा राहिल अपना काम करता है, उसको काम करने दो। तुम क्यों हर वक्त सोच में रहती हो, अपने आप को हलकान कर रही हो? तुम बहुत कमजोर हो गई हो। मैं वाकई बहुत बहुत कमजोर हो गई हूँ? वाकई जैसे सदियों से बीमार। I'm worried about you। राहिल भी दिन रात यही बातें करता है। तो फिर all the more reason अपने ऊपर तवज्जो दो ना। जाने तो जहान है बीनी, मुझे पता है ना, खुदा ना खास तुम्हें कुछ हो गया तो तुमसे पहले मैं मर जाऊंगी। अल्लाह ना करे मॉम, अब इतनी भी बीमार नहीं हूँ कि चले रशीद चाचा को बोले ना एक अच्छा सा नाश्ता बना दे, मैं फ्रेश होकर आती हूँ। बाहर में जाए रशीद चाचा, मैं अपनी बेटी के लिए खुद बनाती हूँ। थैंक यू।